हेलो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम यहाँ तक देख चुके हैं कि आपको स्कूल आते समय आसमान कैसे दिखता है इसको निरीक्षण करने के लिए हमने कहा था आज हम देख देखेंगे इसकी अगली कड़ी बात करते हैं हम पारितंत्र की एक पारितंत्र मतलब क्या होता है पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं वो निवास करते हैं वहाँ और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतर द्वारा संबंधित होते हैं देखिए यह एक बायोडायवर्सिटी दिखाई गई है ये समुद्री जीवों की जीवों का पारितंत्र है और यहाँ स्थलमंडल पर दिखाया गया पारितंत्र है आप देखिए यहाँ कि बायोडाइवर्सिटी में दिखाया गया है कि पेड़ है पेड़ होने के वजह से बारिश आना संभव हो जाता है बारिश का पानी है वो हम दैन दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं इतना ही नहीं खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जानवरों को भी काम में आता है और इस तरह से हम पारितंत्र का एक हिस्सा होने के कारण पारितंत्र को बचाना हमारा कर्तव्य बनता है दूसरी बात करते हैं हम ये समुद्र जीवों का पारितंत्र है या विभिन्न प्रकार के आपको प्राणी दिखाई देते हैं यह विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं और वो एक दूसरे के साथ एक ही इलाके में अच्छी तरीके से रहते हैं पारस्परिक क्रिया करते हैं और इसी तरह से पृथ्वी पर भी जिसको हम स्थलमंडल बोलते हैं वहाँ भी विभिन्न प्रकार के घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं और इस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण ये अस्तित्व में रह उनका जीवन अस्तित्व में रहता है उसमें एक बैलेंस किया जाता है संतुलन सब बनाए बनाए रहता है अगर हम पारितंत्र को बचाए रखें रखना है तो अपने को ये सभी घटकों को बचाए रखना उनका अस्तित्व खतरे में न डालते हुए उनका अस्तित्व बचा के रखना ज़रूरी होता है ये भी एक ताल का पारितंत्र है जिसमें आपको वनस्पति दिखाई गई है प्राणी दिखाए गए हैं, जल दिखाए जल दिखाए गए जल में रहने वाली वनस्पति दिखाई गई है जल के आसपास वनस्पति ज और पहाड़ी इलाका ये सभी इला वनस्पति ये सभी प्रकार एक ताल का परितंत्र है जिसमें सभी सम सभी जीवधारी वस्तु सजीव वस्तु एक साथ रहते हैं क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष पाँच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है अभी ये विश्व पर्यावरण दिन क्यों मनाया जाता है देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो प्रत्येक साल पाँच जून को मनाया जाता है इसके कारण देखिए कारण है इसका कि ये विश्व पर्यावरण दिवस उन्नीस से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया गया और ये लगभग सौ देशों से भी ज़्यादा देश सौ से भी ज़्यादा देश इसको मनाते हैं और इसका पर्पज़ है टू डू समथिंग टू टेक केयर ऑफ अर्थ अपनी पृथ्वी की रक्षा करना एंड द एनवायरनमेंट और अपने पर्यावरण की भी रक्षा करना दिस इज़ ए रियली इम्पॉर्टेंट टू नो द वेस्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट और ये अपने को जरूरी है कि दिन ब दिन पृथ्वी पर जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है जंगल काटे जा रहे हैं भूमि संवर्धन नहीं हो भूमि संवर्धन नहीं होती है और इसीलिए इनकी रक्षा करना बहुत ही जरूरी है और इसीलिए हर साल पाँच जून को पर्यावरण दिन मनाया जाता है आगे हम बात करेंगे मानवीय पर्यावरण मानव भी एक पर्यावरण का हिस्सा है मानव पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है मानव पर्यावरण पर निर्भर है और इसीलिए उसका भी अध्ययन करना ज़रूरी है फिर मानवीय पर्यावरण में क्या क्या है दे देखिए मानव अपनी जरूरतों के अनुसार पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार वो परिवर्तन भी करता है अगर हम बात करेंगे प्राचीन काल या प्रारंभिक मानव की तो वो मानव प्रकृति के अनुरूप खुद को बना लेता था जैसी प्रकृति है वैसा ही वो व्यवहार करता था लेकिन आगे जाकर मानव की ज़रूरतें बढ़ने लगी और फिर मानव अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करने लगा उसका जीवन शुरू में उसका जीवन सरल था आसपास की उसकी प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगीं इसका नतीजा हुआ कि मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई प्रयास करना शुरू कर दिया उसने फसल उगाना शुरू कर दिया पशुओं का पालना शुरू कर दिया और कभी कभार वो घूमता रहता था बाद में वो स्थायी जीवन जीना सीख लिया और जैसे ही पहिए का अविष्कार हो गया और उसकी आवश्यकता बढ़ने लगी फिर अधिक अन्न उपजाया गया वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हो गया जो आज हम करंसी का इस्तेमाल करते हैं उस जमाने में वि वीनी, वस्तु विनिमय पद्धति थी वस्तु विनिमय पद्धति मतलब क्या है कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का आदान प्रदान करना मतलब आप मान लीजिए मेरे पास गेहूँ है आपको चावल चाहिए तो मैं गेहूँ के बदले चावल ले लूँगा उसी मात्रा में इस तरह की पद्धति जो होती थी उसको हम बोलेंगे वस्तु विनिमय पद्धति और जैसे ही औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई औद्योगिक क्रांति से विभिन्न का कारखानों का उदय हो गया और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया आगे जाकर परिवहन में भी परिवर्तन आ गया परिवहन में तेज़ गति वाले वाहनों का इस्तेमाल किया जाने लगा जिससे दुनिया भर में दुनिया भर के देशों में आदान प्रदान प्रदान करना उनके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ही सरल हो गया और संभव हो गया उसके भी आगे दे हम देखेंगे आज के ज़माने की बात करेंगे हम तो सूचना क्रांति जिसको हम बोल देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को ही बदल डाला आज हम पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया द्रुत मतलब तेज़ गति से हो गया है कि आज हम दुनिया में क्या हो रहा है ये हम तुरंत देख सकते हैं सुन सकते हैं मानवीय पर्यावरण क्या है देखिए ये शहर है शहर में पहले कभी खाली ज़मीन हुआ करती थी आज यह बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी है ये भी देखिए एक कभी किसी ज़माने में एक पहाड़ हुआ करता था लेकिन पहाड़ के ऊपर भी खेती करना शुरू हो गया और इसका नतीजा ये हुआ कि अंतराल में भूमि पर खदानों में समुद्र पर रोड और इस तरीके से रेगिस्तान में भी मानवीय हस्तक्षेप शुरू हो गया इसका नतीजा ये हुआ कि मानवीय पर्यावरण पर्यावरण को ही खतरा उत्पन्न होने लगा तो वो हम देखते हैं किस तरह से अभी देखिए आप पर्यावरण के शरण हुए मैं मैंने आपको बहुत बोला कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण को खतरा शुरू हो गया है और ये पर्यावरण को जो खतरा शुरू हो गया है खतरा होने लगा है वो किस कारण हो गया है पहली बात करेंगे इसके लिए तो इंसानी जिम्मेदार है तो पहली बात करेंगे हम सामाजिक कारक और दूसरा हम दूसरा कारण देखेंगे हम आर्थिक कारक सामाजिक कारक में देखते हैं बढ़ती जनसंख्या दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ रही है और इससे क्या हो रहा है कि बढ़ती जनसंख्या को समाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि की उपलब्धता नहीं होती है दूसरे दूसरा सामाजिक कारण है गरीबी गरीबी होने के वजह से क्या होता है कि पर्यावरण को भी खतरा हो सकता है गरीब जहाँ जमीन नहीं है वहाँ भी वो झोपड़पट्टी बना लेते हैं शहरीकरण जैसी जैसी जनसंख्या बढ़ने लगी विस्तार होने लगा शहरों का इलाका बढ़ने बढ़ते जा बढ़ते गया और जिससे रहने की समस्या आरोग्य की, की समस्या निर्माण होने लगी और सामाजिक कारक में चौथा का कारक है जीवन शैली में परिवर्तन कभी कभार ऐसा हुआ करता था कि हम प्रकृति के अनुसार रहना सीख लेते थे लेकिन हम आज प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे जीवन शैली बदल गई है और इस जीवन शैली का नतीजा ये हुआ कि पर्यावरण में शरण आने लगा और दूसरा महत्वपूर्ण कारक है आर्थिक कारक और ये आर्थिक कारक किस प्रकार हमारे पर्यावरणीय शरण के लिए जिम्मेदार होता है कृषि में विकास हो गया कृषि में विकास होने से हम ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर कृषि उगाना शुरू कर दिया उसमें हम खेती को खेती का उत्पन्न बढ़ाने उत्पन्न बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर दिया और इसीलिए पानी प्रदूषण होना शुरू हो गया भूमि की पैदावार कम होने लगी दूसरा कारण है औद्योगिकरण औद्योगिकरण से तो उत्पन्न बढ़ गया लेकिन औद्योगिकीकरण से जो प्रदूषण हो रहा है वो पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो रहा है आर्थिक कारक में तीसरा कारक है आर्थिक विकास जिस तरह के से आर्थिक विकास हो गया है उस आर्थिक विकास करने के लिए हम पर्यावरणीय जो समस्या है या पर्यावरणीय जो जरूरत है उसको ही हमने नजरअंदाज किया है और इसीलिए पर्यावरण का रास होना शुरू हो गया इसके पहले के स्लाइड में हमने देखे थे कि वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय किसको दे यह एक वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है या धन का नहीं एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ आदान प्रदान की जाती है जिसको हम बोलेंगे वस्तु विनिमय पद्धति जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम कभी जानने की भी कोशिश कीजिए अपने पड़ोस के किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति से बात करके देखिए और उनसे ये समझने की कोशिश करिए कि जब वे आपकी उम्र के थे तो उनके आसपास कैसे पेड़ थे उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से थे उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था गर्मियों सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे इसकी जानकारी आप अपने किसी बुज़ुर्ग व्यक्तियों से प्राप्त कर सकते हैं और वही जानकारी आप अपने स्कूल में दीवार पर जो बुलेटिन बोर्ड होते हैं वह प्रदर्शित करें हैं। ये भी आपके लिए एक, एक एक्टिविटी हो गई है दोस्तों तो चले फिर याद करना शुरू कर देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखे हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें पहला क्वेश्चन है आपके लिए पादप एवं जीव जंतु मिलकर या सजीव संस्था का निर्माण करते हैं पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर आश्रित होते हैं चौथा यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता और पाँचवा है इस क्रांति से पूरे विश्व में सं, संचार सहज और द्रुत हो गया है तो इसके आंसर हम देखने की कोशिश करते हैं देखिए आंसर्स पहला है जीवमंडल दूसरा है जैव मंडल तीसरा है पर्यावरण चौथा है वस्तु विनिमय पद्धति और चौथा है सूचना क्रांति सूचना प्रौद्योगिकी। आप ये भी स्वाध्याय कर सकते हैं, जो आप लेसन के पीछे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये भी आपको सही या गलत इसमें से भी आप पहचान सकते हैं इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है प्राकृतिक परितंत्र नहीं है मतलब पहले से ही निर्माण नहीं है ये मरुस्थल है प्राकृतिक है वन भी है लेकिन ताल ये मानव निर्मित है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है धर्म है समुदाय भी है स्थल नहीं है इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है पहाड़ नई है समुद्र नई है सड़क है सड़क मानव द्वारा निर्मित की गई है इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है पादप पादपूर्ति मतलब वनस्पति की बढ़ती तो इनमें से सही आंसर है जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि ये पर्यावरण के लिए खतरा है ये भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं स्तंभों को मिलाना है कारण बताना